सो वंस अगेन गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर. गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर. सो आज मेरा है यहाँ पे लास्ट डे, और आज मेरा है इस ट्रिप का बेसिकली लास्ट डे. तो अभी मैं निकल चुका हूँ अमृतसर से, मैंने लीव कर दिया अपना होटल. और ये देख रहे हो आप अमृतसर की गलियाँ, राइट साइड में मेरा नेशनल म्यूज़ियम जो नेशनल पार्टीशन म्यूज़ियम है बेसिकली. और यहाँ से मैं जाते हुए दिल्ली की तरफ, यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस अराउंड 500 किलोमीटर्स है, और दिखा रहा है 9 घंटे 1 मिनट. और सुबह के बज चुके हैं 8:15. तो मैं अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रात को 8 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा, रेस्ट करते हुए, खाना पीना खाते हुए आराम से. एंड थैंक यू सो मच भगवान, आपने इस ट्रिप को सक्सेसफुल बनाया अभी तक, और घर पहुँचाने तक अच्छे से ये ट्रिप मेरा सक्सेसफुल रहे. एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों का सपोर्ट रहा इस पूरे ट्रिप पे. कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, एंड साथ में कमेंट करते रहिए कि आपको मेरा क्या पसंद आया इस सीरीज़ में, क्या कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद आई, कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया, सो डैट कि मुझे पता चले कि किस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से पसंद कर रहे हो. चीज़ नहीं पसंद आई है तब भी आप कमेंट करते रहिए, मुझे पता चले कि मेरे को कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, सो डैट कि मैं उस पॉइंट को इम्प्रूव कर सकूँ. सो वंस अगेन गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर. होप सो मेरी ये जर्नी भी बाकी डेज की तरह काफ़ी अच्छी हो. मेरा टैंक अभी फुल दिखा रहा है तो अराउंड 300 किलोमीटर्स तो बाइक चल ही जाएगी. तो अभी यहाँ पर बारिश का मौसम हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा इवन मॉर्निंग में भी बारिश हुई थी. तो मैंने भी रेनकोट नहीं पहना है इनकेस बारिश तेज़ होती है, तो मैं कहीं रोक कर अपना रेनकोट पहनूंगा. वैसे भी वेदर फोरकास्ट में दिखा रखा है हैवी रेनफॉल इन दिल्ली एनसीआर एरियाज, तो कहीं आगे रोकता हूँ तो मैं अपना रेनकोट पहनता हूँ. तो गाइस यहाँ से लेफ्ट साइड में राधा स्वामी सत्संग व्यास है, जो व्यास डेरा व्यास है बेसिकली. रोड्स पर जो ऐसे पुल खुदे रहते हैं, इन्होंने पूरा पुल आई थिंक खुरदा रखा है, ऐसे ना खींच रखा है, तो ऐसे रोड्स पर फिसलने का सबसे ज़्यादा डर रहता है, तो बड़े आराम से चलानी पड़ती है बाइक, ऊपर से स्लिपरी मौसम हो रहा है. यहाँ शुरू हो गई है बारिश, छम 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 बारिश. तो मैं रोक के पहले रेनकोट पहन लेता हूँ फटाफट से. बस काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, और यहाँ से अराउंड 500 मीटर्स आगे टोल है, तो अभी मैं टोल के लिए रुकता हूँ. और दिल्ली अभी 329 किलोमीटर्स से यहाँ से, तो अभी मैं आगे टोल के नीचे रुक जाऊँगा, बारिश कम होने का वेट करूँगा तब आगे बढ़ूँगा. अभी बारिश काफ़ी तेज़ है, आपको शायद दिख रहा होगा वीडियो में, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है. सो डोमिनार की ये पहली मानसून राइड, इतनी बारिश में मेरी नई डोमिनार जो पूरा लेह लद्दाख सर्किट कंप्लीट करके आई है, और अब इसकी पहली मानसून राइड ये. रास्ते में ये पड़ा है बीकानेर वाला मैकडोनल्ड्स वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं, प्रॉपर मॉल सा बना हुआ है एक्चुअली. तो यहाँ पर रोक के मैंने थोड़ा अपना खाना पीना कर लिया, बट बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत अपने को सुखाया. और नाउ बैक टू ऑन रोड्स, तो कि बारिश थोड़ी बहुत रुक जाए, कम हो जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि बारिश इस टाइम काफ़ी ज़्यादा तेज़ है. लेट्स सी कहां पर जाके बारिश रुकती है. सो फाइनली रीच इन दिल्ली एनसीआर, दिस इज़ ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे. काफ़ी अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया है ये ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे. सो गाइस दिस इज सिग्नेचर ब्रिज इन दिल्ली, जो अभी कुछ टाइम पहले बना था सिग्नेचर ब्रिज. तो ये भी काफ़ी फेमस ब्रिज बन गया था दिल्ली के अंदर
रीज़न से, आप लोग गूगल कर सकते हो क्या रीज़न से भी मुझे निकलना है राजघाट ISBT की तरफ। सीधे है राजघाट एंड ISBD। सो फाइनली ऑन द रोड्स ऑफ फरीदाबाद। काफ़ी खुशी होती है इतनी जगह घूम घाम के वापस अपने घर जाने की, अलग ही खुशी का लेवल होता है। तो अपने रोड्स पर कहाँ पहाड़ों पर बाइक चला रहा था, हाईवे पर बाइक चला रहा था। अब मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है इतने दिनों से पहाड़ों पर बाइक चला रहा था कि अभी भी मैं पहाड़ों पर ही घूम रहा हूँ क्या। बट यस आई नो कि मैं अभी पहुँच चुका हूँ अपने घर के पास, बस नेक्स्ट 15 मिनट्स और फिर मैं होऊंगा अपने घर पे, आराम से आराम कर रहा हूँ। ऑलरेडी 6:30 बज चुके हैं तो अप्रोक्सीमेटली 7 बजे तक मैं अपने घर पे हूँ।